रेल मंडलों में ट्रेनों की वर्किंग को लेकर विवाद थम नहीं रहे हैं। इंदौर से नई दिल्ली के 20 सप्ताह में 3 दिन चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत 24 अगस्त को इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने हरी झंडी दिखाकर की। शुरुआत के चंद घंटों बाद ही ट्रेन में वर्किंग को लेकर विवाद हो गया। रतलाम मंडल से दिल्ली तक जाने वाले चेकिंग स्टाफ को कोटा मंडल के कर्मचारियों ने उतार दिया और विवाद के बाद झूमा झटकी भी हुई। पूरे मामले में अब रतलाम व कोटा मंडल के कर्मचारी संगठन भी आमने सामने हो गए हैं। ट्रेन संख्या 20957, 20958 इंदौर नई दिल्ली इंदौर में इंदौर से नई दिल्ली के बीच रतलाम मंडल में इंदौर मुख्यालय के चेकिंग स्टाफ को वर्किंग दी गई है। वेरेयू पदाधिकारी ने बताया कि बुधवार को ट्रेन चलने के बाद कोटा के चेकिंग स्टाफ द्वारा ट्रेन में चल रहे रतलाम मंडल के स्टाफ CTI मंजीत सिंह, DCTI SN मीणा नाथुन सिंह के साथ विवाद व झूमा झटकी कर गाड़ी का चार्ट ले लिया व जबरन कोटा से दिल्ली के मध्य वर्किंग की गई। पूरे विवाद का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। मंडल के स्टाफ के दुर्व्यवहार की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन ने रतलाम मंडल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वेरेयू के पदाधिकारी ने मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता व अन्य अधिकारियों से मिलकर विरोध दर्ज कराते हुए कोटा मंडल के स्टाफ पर कार्यवाही व रतलाम मंडल का वर्किंग यथावत रखने की मांग की। यूनियन के महामंत्री JR भोसले ने भी CCM व GM से चर्चा की। रतलाम मंडल मंत्री मनोहर बारट ने ट्रेन में गए मंजीत सिंह से मोबाइल पर चर्चा कर विश्वास दिलाया कि यूनियन उनके साथ है। नई ट्रेन चलने पर चेकिंग स्टाफ व लोको पायलट की वर्किंग को लेकर विवाद नई बात नहीं है। रेल मंडलों में इसके लिए स्पष्ट पॉलिसी नहीं होने से विवाद होते रहे हैं। रतलाम रेलवे स्टेशन पर भी कई बार मारपीट की घटनाएं भी हुई हैं। वर्ष 2006 में तो गरीब रथ एक्सप्रेस के पहले दिन ही स्टेशन पर स्टाफ में जमकर मारपीट हुई थी। आप लोगों को नहीं आना है मेरी बात सुनो, पैसे किसका झगड़ा? टीटी का झगड़ा नहीं हो रहा तो समझा रहे हम तो इधर तो इधर आ जाओ हमारे सर पे चढ़ रही आप लोग समझ थोड़ा करिए नीचे उतार रहे हैं वही तो बात है छत्तीस का मीटर हो रहा है छत्तीस का मीटर हो रहा है हाँ बोला हम करेंगे ड्यूटी अरे अभी हम तो 2 मिनट में उतार दे पर नीचे तो हम उतार।